खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। केंद्रीय मंत्री व भाजपा के करहल विधानसभा से प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय कानूनी राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल की काफिले पर हमला हुआ, जिसमें भाजपा प्रत्याशी बाल बाल बचे। काफिले पर हमले की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही पथराव करने वाले भाग गए। केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एवं करहल विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बताया कि कबरई होते हुए जब मैं करहल आ रहा था, तभी कबरई और अतिकुल्लापुर के बीच में अचानक से अंधेरे में खेतों में से लोग निकल कर आए, जो कि अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और उसमें से एक आदमी ने यह कहा कि मैं उमाकांत यादव नगला बदा, तुम मेरे नेता के सामने चुनाव लड़ रहे हो, जिसने तुम्हें सांसद बनाया है, और फिर 20 से 30 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। मेरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई और मुझे चोट आई है। और उसमें से किसी ने एक ने कहा कि बीटू जान से मार दे, आज मंत्री बच के न जा पाए, इसका चुनाव आज ही करा देता हूँ, यह बोखलाहट है और उनकी हार की निशानी है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक मधुवन कुमार ने घटना को लेकर कहा कि मंत्री जी द्वारा थाने पर तहरीर दी गई है, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। 20 से 25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। फिरोजाबाद से रोहित कुशवाहा की खास रिपोर्ट। आज घटना यह हुई कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी बरनाल में आए थे, उनको विदा करने के बाद फिर हमें दो सभाएं और मिल गई हैं। माननीय अमित शाह जी 17 को आ रहे हैं, 18 को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो उसी के अपने सम्मान के लोगों के साथ देर तक बात की। फिर उसके बाद एक कबरी गांव होते हुए अतिकुल्लापुर होते हुए मुझे यहाँ आना था करहल में। तो कबरई और अतिकुल्लापुर के बीच में लगभग 7:45 पर खेतों में छुपे हुए 20-25 लोग इतने में देख पाया हूँ, हो सकता पीछे और हूँ। और वो अखिलेश भैया जिंदाबाद नारे लगाते हुए आए, और उसमें एकदम पास है, पहले तो मैं समझा शायद हमारे ही लोग हों, बगल में आके उनने, क्योंकि आजकल 100-100 मीटर पर हमें अपने लोग मिलते हैं। तो उन्होंने उसमें से एक बोला कि मैं उमाकांत नगला बदा का हूँ, और जो है तू हमारे नेता के सामने चुनाव लड़ रहा है, तुझे आज ही जो है तेरा चुनाव कराई दे रहा हूँ, और हमारी पार्टी ने सांसद बनाया था। और उसने फिर एक नाम लिया बीटू, मार आज बचना पाए मंत्री, उसका चुनाव आज ही कराई दे रहा है। तो ये तो उसमें असला भी दिख रहे थे, उनके लाठी डंडे भी थे, सरिये बहुत थे। और उसके बाद हमारे सुरक्षा वालों ने एकदम नीचे उतरे तो वो लोग भागे, लेकिन जाते हुए एक फायर हुआ है, एक फायर, एक संजय शर्मा हमारे हैं जो खंडारी के रहने वाले हैं, उनकी फॉर्चुनर थी, उस पर उन्होंने फायर किया और उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया, तो शायद लाइट वाइट उनकी भी टूटी है। गाड़ियाँ तो 10-12 क्षतिग्रस्त हैं, FIR में हम सबका वर्णन नहीं करना चाहते हैं। और ये बौखलाहट का प्रतीक है, लेकिन भगवान ने आज बचाया है। मेरे पास जेट सुरक्षा ना होती और CISF ना होती, मैं किसी पुलिस को वो नहीं इन्फियर कर रहा हूँ, लेकिन CISF के जवान नहीं होते तो आज हम मरे जाते। तो कौन लोग हैं इसके पीछे, मतलब जो लोग ये कह रहे हैं हमारे भैया के सामने चुनाव लड़ रहे हो, जिस पार्टी ने तुम्हें सांसद बनाया और जिसके नारे लगा रहे थे, वही लोग हैं, और कौन लोग होंगे। और आप मेरी मानता ये देखिए कि FIR लिखने के लिए मैं इन्वेस्टिगेशन जो भी हो जाए, मैं सेफई वालों को सबको आज 120B में लिखा सकता था कि उनकी सह पर ये हुआ है, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी चाहता तो अपनी पार्टी के लोगों से 50-60 उन लोगों का भी नाम लिखवा सकता था, लेकिन पहले भी मेरे पे इसके पहले एक दिन हम जा रहे थे नगला कुरियन, तो गढ़िया चौराहे पर देखा है इंस्पेक्टर करहल ने भी देखा, और PAC उस दिन ना होती तो उस दिन भी मारे जाते। रमा हमारी वो है शाक्य जी, गीता शाक्य जी के साथ कल अटैक हुआ, आप एक वायरल देख रहे होंगे वीडियो जिसमें गली गलौज हो रही है, मैं मीटिंग में हूँ, और उस दिन भी शाम को किया उन लोगों ने शाक्यों के एक गांव में। FIR कितने लोगों का नाम करेंगे? नहीं, मैंने FIR
माननीय मंत्री जी की गाड़ी निकल रही थी, 20-25 लोगों ने गाड़ी को घेर लिया और ईंट पत्थर फेंकने लगे, लाठी डंडे मारने लगे गाड़ी में। एक लड़के ने फायर किया, उन्होंने कहा V2 आज ये मंत्री निकल के ना जा पाए, आज इसको चुनाव नहीं जिता दो। अच्छा, हमला करने वाले कौन थे, किसी को पहचाना आपने? नहीं पहचानना क्या, दो लोगों के नाम ले रहे थे वापस में, कोई V2 नाम का लड़का था और एक कोई रमाकांत यादव। उमाकांत, चोटे भी आई किसी की? मंत्री जी की उंगली में चोट आई है। अच्छा। मंत्री जी की गाड़ी का शीशा टूट गया है, मेरी गाड़ी में 2-3 पत्थर लगे। बचाव फिर किस तरीके से हुआ वहाँ पर मौके? कमांडो उतर के भागे उनके पीछे, वो छोड़कर भाग गए। फिर क्या कोई फायरिंग वगैरह भी की गई है? फायरिंग करते हुए भागे वो लोग मंत्री की तरफ से। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद कह रहे थे वो। ठीक। आज शाम लगभग 7:45 पर माननीय मंत्री जी, जो करहल विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं, कबरई से अतिकुल्लापुर की तरफ अपने काफिले के साथ आ रहे थे। तभी रास्ते में अतिकुल्लापुर के नज़दीक कुछ लोगों ने काफिले पर जो है डंडे और पत्थर से हमलावर हुए और मौके पर सूचना मिलने पर CO करहल और इंस्पेक्टर करहल मौके पर गए। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, कानून व्यवस्था बनी हुई है। माननीय मंत्री जी द्वारा जो तहरीर थाने पर दी गई उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर मुकदमे में विधिक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ तहरीर दी? ये लगभग 20 से 25 लोगों के विरुद्ध उन्होंने जो है ज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया। ये संज्ञान में नहीं लाया गया है कौन लोग हैं, इसकी विवेचना से और जाँच से जो तथ्य आएंगे उसके आधार